जनपद बिजनौर में कार व बाइक के साथ वाहन चोर माफिया गैंग गिरफ्तार। जनपद बिजनौर में कार व कई बाइक के साथ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन माफिया चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 13 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग आसपास के जनपदों से कार व बाइकों को चुराकर उनका नंबर प्लेट बदलकर अलग अलग जनपदों में बेचने का काम कर रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें बिजनौर के चक्कर चौराहे से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 10 कार व 10 बाइक बरामद की है। पुलिस ने इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। एसपी के दिशा निर्देश पर पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत स्वाट टीम व थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चक्कर चौराहे नगीना रोड से वाहन चोर माफियाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से अलग अलग कंपनी की 10 लग्जरी कारें बरामद की हैं। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 10 बाइक भी बरामद की हैं। ये लोग काफी समय से मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और आसपास के जिलों से वाहन को चुराकर जयपुर व मणिपुर सहित अन्य जगहों पर वाहनों को बेचने का काम कर रहे थे। ये लोग गाड़ियों को चुराकर 3 से 4 लाख रुपए में बेच देते थे, जबकि दो पहिया वाहनों को 5 से 10 हजार रुपयों में बेचने का काम कर रहे थे। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वाहन चोर माफिया महेंद्र अपने साथियों के साथ मिलकर वाहन चोरी का काम कर रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन माफिया सरना महेंद्र व उनके साथी दीपक शाहिद, ऋषभ मोहम्मद शाहिद, मन्नावर शहजाद, अमित त्यागी, अंकित ठाकुर, नवाज खान सहित 13 लोगों को वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि यह वाहनों का नंबर सहित इंजन का नंबर व चेचिस नंबर बदलकर उनके नकली कागजात तैयार करके अन्य अन्य जनपदों में बेचने का काम कर रहे थे। पुलिस आज इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। जनपद बिजनौर से केपी सिंह की रिपोर्ट। वाहन चोरों का इंटर स्टेट गैंग कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा इसमें कुल 13 अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके कब्जे से 10 फोर व्हीलर, 10 टू व्हीलर, इसमें से हमारे जनपद की बिजनौर जनपद की 9 गाड़ियां हैं, शेष अन्य जनपदों के हैं। इन अभियुक्तों में से राजस्थान, मणिपुर, दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, उत्तराखंड आदि के अभियुक्त हैं। इनके गाड़ी चोरी करने वाले, मार्केटिंग करने वाले, इंजन नंबर, चेचिस नंबर बदलने वाले, रुपया कलेक्ट करने वाले, आरटीओ ऑफिस से कागजात तैयार करने वाले, कंप्लीट गैंग पकड़ा गया है। इनके द्वारा विगत 10-15 सालों से अपराध किया जा रहा है। कुछ अभियुक्त इसमें न्यू कमर हैं, नए हैं, जो पहली बार जेल जा रहे हैं, इनकी नई एंट्री है। इन सबसे विस्तृत पूछताछ अभी की जानी है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस टीम को सावर्धन हेतु 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया है। इनके कब्जे से अभी अन्य गाड़ियों को बरामद होने की संभावना। इनके कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी है क्या, जो पकड़े गए बदमाश? गैंग लीडर महेंद्र उर्फ घोड़ा, इसके खिलाफ 32-33 मुकदमे जो हमारे पास ज्ञात है, ये है। अन्य अभियुक्तों के पास भी एक दर्जन, आधे दर्जन मुकदमे हैं। 2-3 लड़के हैं जो फर्स्ट टाइम जेल जा रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा अपराध पहले से ही किया जा रहा था।